Welcome to NewsClick. We have with us Dr. Vikram Singh, General Secretary of SFI All India. Uh, he is going to talk to us about the students and the youth issues and how they have been affected during the BJP government in the past three years. Welcome to NewsClick, Dr. Vikram. So, Dr. Vikram, there have been a lot of attacks on the students, especially the university students. What? do you think are the reasons for these attacks see the basic reason about all these attack is the ideology of the ruling party that is against democracy at On the one hand they are implementing the policies of new economic policies and second hand they are trying to curb all the democratic forces the content democratic content from the campuses when you are implementing the uh, new economic policies, it means discontent is there among the students. So the various issues and there are protests. Even for the single voice of content, they are seeing it as a resistance as a resistance to their ideology and they are attacking that. That is why. In IIT what happened? The small discussion. They do not want to have a discussion which is a basic. करेक्टर ऑफ दो आई मीन इन दैट कॉन्टेक्सट आप हिमाचल से है बट वहाँ हिमाचल स्टूडेंट्स स्टेट यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स दिक्कतें फेस करते हैं। वहाँ क्या चीज़ होती है वहाँ स्टूडेंट्स कैसे झेलते हैं इस दमन को देखिए जहाँ तक हिमाचल की बात है हिमाचल की एक खासियत है कि वहाँ का जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो बिल्कुल जुड़ा है स्टूडेंट के आधारभूत मुद्दों से बेसिक इश्यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स और उसके आधार पे वो मोबलाइजेशन करते हैं और एक तरह का बहुत स्ट्रांग यूनिटी है वहाँ स्टूडेंट्स के अंदर उसकी वजह से जो डे टू डे इशू है उनके ऊपर लामबंद करते हुए जो ब्रॉडिकर ब्रॉडर पॉलिटिकल इशू है उसके खिलाफ़ में भी लड़ने के अंदर सक्षम हो पाते हैं पर हिमाचल का एक बेसिक करैक्टर आप देखेंगे हम लड़ तो पाते हैं पर जो सेक्रीफाइस स्टूडेंट को देने पड़ते हैं जिस तरह का दमन वो वहाँ पर फेस करते हैं वो भी अपने आप में पूरे भारत से अलग है अलहदा है आपके जितने भी लीडरशिप है उनके ऊपर एन नंबर ऑफ़ केसेस होंगे बहुत समय उन्होंने जेल के अंदर काटा होगा वहाँ से एग्जाम भी दिए होंगे इस कारण वो उनका जो संघर्ष है उसके चलते वो उसको फेस कर पाते हैं उसको लड़ पाते हैं और इस तीन साल में मोदी ने वादा किया था वो ये वादा किया था कि ये यूथ फ्रेंडली होगा ये स्टूडेंट फ्रेंडली होगा विकास लाएगा और सब उम्मीद रखे थे बट मगर ये दो करोड़ जॉब्स का क्या स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं इसके बारे में या यूथ क्या सोच रहा है दरअसल एक सच्चाई है कि जब मोदी कंपेन के अंदर थे तो वो स्टूडेंट्स के सपनों को जो युवक है उनके जो सपने हैं उसको हिट कर पाए थे और एम्प्लॉयमेंट के मुद्दा और विकास के मुद्दा सच्ची में अपील कर पाया था स्टूडेंट को यूथ को और बहुत मात्रा में स्टूडेंट और यूथ रैली भी किया पर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अभी तो हम तीस साल भी गुजर गए हैं वो जो था कि हम जॉब लाएंगे थे पर्टिकुलर जो जॉब का इशू है वो लाना तो दूर वो जो आप बोल रहे थे दो करोड़ वो तो अभी हम लगातार देख रहे हैं कि वो ख़त्म हो रहा है वो दो तरह से हो रहा है एक तो जो आपका सरकारी सेक्टर के अंदर जॉब था वो लगातार आप खत्म कर रहे हैं वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप जो एग्जिस्टिंग जॉब हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस तरह की मंदी है अभी कंटिन्यूस जो क्राइसिस है उसके चलते वो रिट्रीटमेंट हो रहा है लगातार नौकरियाँ बंद हो रही हैं तो प्राइवेट के अंदर भी और सरकारी के अंदर भी लगातार जो निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है तो वो जो एक मुद्दा उन्होंने बोला था कि हम जॉब देंगे वो एक जो पूरा भाजपा सरकार का एक बड़ा शब्द भारत को दिया है जुमला वो जुमला ही बन के रह गया है धरातल पर वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए ये अभी अभी कितना जॉब्स लॉस हुआ वन पॉइंट मिलियन जॉब्स अभी पिछले चार महीने के अंदर ख़त्म हुआ है एक सिर्फ चार महीने के अंदर ये बताता है हमारा भारत किस दिशा की तरफ जा रहा है सो देर जॉब लॉस इन ऑल द सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑल्सो द गवर्मेंट इज हेल्प एंड ऑन प्राइवेटाइजिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बॉडीज सो इन दिस कॉन्टेक्सट है यूथ ऑर्गेइजेशन यू हैविंगशन ऑन रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर आने वाली जुला, जुलाई सौ अट्ठाईस को हम इस मुद्दे के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा पहली बात क्योंकि इस समय जो मुझे लगता है भारत के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है जो एक व्यापक स्तर के ऊपर है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भारत युवा है युवा है युवा है वो बोलने से नहीं चलेगा युवा को हाथ के अंदर काम देना पड़ेगा उसकी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा तो ये जो पूरा भारत के अंदर एक वातावरण बना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर जो रियल इशू है वो गायब हो रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले जो रोजगार का मुद्दा है वो सेंट्रल डिबेट के अंदर आए डिस्कशन के अंदर आए उसके ऊपर हम बातचीत करें इसलिए ये कन्वेंशन कर रहे हैं एक दूसरा हम इसी कन्वेंशन के अंदर ये फ्लोट कर रहे हैं ये इशू उठा रहे हैं कि जो रिज़र्वेशन है वो प्राइवेट के अंदर भी लाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप देखेंगे रिजर्वेशन होना सिर्फ सरकारी के अंदर असल में मजाक हो गया है क्योंकि सरकारी जॉब ही जब नहीं है आप एग्जिस्टिंग पोस्ट भी ख़त्म कर रहे हैं तो रिजर्वेशन दिखाने के लिए स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा हो सकता है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं हम इनके भलाई करना चाहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहते हैं पर जब आप उसके अंदर जॉब ही नहीं है तो रिजर्वेशन किस लिए होगा क्योंकि हम तो जो अभी एग्जिस्टिंग सर्विस सेक्टर है एग्जिस्टिंग जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी डिसइनवेस्टमेंट कर रहे हैं उसको भी ख़त्म कर रहे हैं प्राइवेट कर रहे हैं तो आज की डेट के अंदर जो बड़ा सेक्टर है वो प्राइवेट है प्राइवेट के अंदर किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है कोई अफर्मेटिव एक्शंस नहीं है इसलिए हम चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर वहां पर भी इंक्लूसिव दिखाना पड़ेगा जो बड़ा सेक्टर है इसलिए वो मुद्दा उठाने की कोशिश कर सो बट डों ताराचंद गहलोत दैट इट इज रिजर्वेशंस इन प्राइवेट सेक्टर यूर गोइंग टू टेक दिस टू पीपल फॉर दिस इशू ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स प्रेशर के जरिए ही हो पाएगा अगर रूलिंग क्लास की मंशा देखेंगे तो जब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दिया था रिजर्वेशन उसमें भी कोई उनकी मंशा नहीं थी उस समय भी पब्लिक प्रेशर पीपल्स प्रेशर और जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था उसके प्रेशर के चलते हुआ था वही प्राइवेट के साथ भी होगा और ये बोलना है कि प्राइवेट हाउसेस के अंदर कंसेसिस नहीं है उनके अंदर सहमति नहीं है वो भी अपने आप में राज्य की जो इच्छा है जो सरकार की इच्छा है वो बताता है क्यों नहीं होगा क्योंकि आप देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर्स से है वो पूरी की पूरी सहूलियत सरकार से लेते हैं आपका रिसोर्सिस लैंड से लेके अब इवन अब जो का फिनान कैपिटल है पहले हम बोलते थे वो कैपिटल लगा था अब तो कैपिटल भी पब्लिक सेक्टर बैंक से ले रहा है तो अगर स्टेट का विल हो तो वो करवा सकता है क्योंकि पूरा रिसोर्स तो स्टेट का है ना प्राइवेट तो बोलने के लिए है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्राइवेट है उसका जो प्रॉफिट है वो तो प्राइवेट है रिसोर्सिस स्टेट के हैं तो अगर स्टेट बोलेगा तो उनको करना पड़ेगा पर होगा पीपल्स प्रेशर से क्वालिफिकेशन था और वो लोग एडवर्टाइजमेंट को दे अप्लाइड फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट बट कॉल बैक नहीं था आप और उसी स्टडी के आधार पर जोधका का भी था कि वो क्या आई I मीन mean,

कि उनके दिमाग के अंदर एक पहले से पूर्वाग्रह है कि जो दलित है उसको नहीं आने देना है और दिक्कत क्या है कि इतिहासिक तौर पर जो उनको डिप्राइव किया था आपके जो रूलिंग क्लास है अपर कास्ट है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है वो जो कास्ट है मार्केट के अंदर भी ऑपरेशन के अंदर है क्योंकि जितने भी आपके इंटरप्रेनरशिप है जो उद्योग है वो कंट्रोल्ड है बाय अपर कास्ट और उसके अंदर भी वेरियस स्टडीज़ यही बोलते हैं कि जो आपका जो छोटा मोटा इंटरप्रेनरशिप है एस सी के पास वो लगातार कम कम हुआ है कम हुआ है और उसका जो स्तर है वो छोटा है उसका क्षेत्र छोटा है तो वहाँ पे इम्प्लॉयमेंट मिलने से रही इम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है तो उसी मालिक के पास जाना पड़ेगा जो अपर कास्ट है जो उसी चश्मे से देखता है कि उसको आने ही नहीं देना है इसलिए रिजर्वेशन वहाँ पर करना पड़ेगा इसलिए उसके लिए लड़ना पड़ेगा और ये तब होगा जब जिनको ये टच करता है जिनका ये हक है वो इकट्ठे होकर इसके लिए लड़ेंगे अभी तो बात करना भी मुश्किल है पर मुझे ऐसा लगता है कि इस कन्वेंशन के जरिए हम मुद्दे को फ्लोट करेंगे और अभी भारत के अंदर जिस तरह से सोशल जस्टिस के क्वेश्चन पे ऊपर लोग मोबलाइज हो रहे हैं लोग अपने हक के लिए मोबलाइज हो रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा और सरकार को इसके ऊपर मजबूर होकर जनता के दबाव के चलते मजबूर होकर इसको लागू करना ही पड़ेगा लिविंग दैट फॉर अ लार्जर आई मीन पॉलिटिक्स बट द इमीडिएट इशू इज दिस यू जी सी सर्क्यूलर ऑन द नेट लिमिटिंग इट टू ओनली टोटल अप्लाई एवरी ईयर एंड हैव रेड्यूज बिफोर इट वॉज टू टाइम्स मींस दे आर रेड्यूजिंग दांसेज ऑफ people to qualify for net और what is the politics बेसिकली basically this is an classical example of neoliberal policies means in इन पॉलिसीज़ के चलते जो ब्रॉडर लेवल जर्नल लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ रिड्यूस होती हैं तो आपके सोशल वेलफेयर मीन्स फिर से ही ख़त्म हो जाते हैं ये आप देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको वन फोर्थ कर देना है पहले साल में दो बार होना तो आपने रिड्यूस करके वन टाइम कर दिया इस 50 फिफ्टी परसेंट आपने ख़त्म कर दिया और उस 50 परसेंट से भी जो टॉप 15 लेते थे आप आप उसको रिड्यूस करके 6 परसेंट कर रहे हैं वन के ट्वेंटी परसेंट और उस 25 परसेंट का मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला है कि जो वेरियस कैटेगरीज है उसकी अलग से मेरिट बनाते हैं तो मीन्स एस सी एस सी के लिए भी वन फोर्थ हो गया एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि टीचिंग के लिए नेट मैंडेट्री है हायर एजुकेशन के अंदर रिसर्च के लिए नेट मैंडेट्री है और वेरियस जो डॉक्यूमेंट्स है एम के वो ये बोलते हैं कि हमें क्वालिटी टीचर्स चाहिए रिसर्च चाहिए हमें इंडिया की ग्रोथ के लिए और दूसरी तरफ आप एंट्री लेवल के ऊपर ही रिसर्च स्कॉलर और टीचर को बंद कर रहे हैं यह कुछ लोग बोलते हैं ये ब्राह्मणवादी का साजिश है कि फूले ने बताया था कि Without education, everything is lost. He said that without education, wisdom was lost, without wisdom, uh, power was lost, and without power, the Shudras were ruined. Do you think there is some uh, conspiracy to prevent the marginalized groups from entering into higher education? Mm -hmm. Because uh, if you see, all the leaders from the marginalized communities had uh, received higher education and they have urged the people from marginalized communities to seek the highest education for liberation so do you think it's a ploy from the brahmanical forces to limit their entry into higher education मैं इसको भी एकदम आगे जाके देखता हूं कि जो अभी hard earn हमारे पास जो कुछ measures थे एजुकेशन के आने के अंदर आने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया था उसके अंदर जो कुछ मेजर थे जिसके चलते अभी तक जो डिप्राइव्ड सेक्शन एजुकेशन के अंदर आ रहा था उसको भी ख़त्म करने का ये हमला है ये सिर्फ कोई जो हम टिपिकल क्लासिकल साजिश बोलते हैं सिर्फ वो नहीं है लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसको भी ख़त्म कर कर जो कुछ लोग पहुँचे थे उनको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कारण क्या है कारण ये है कि इन लोगों ने देख लिया जो आप भी बोल रहे थे कि एजुकेशन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है एजुकेशन एक सोचने की ताकत भी देता है और विशेष तौर पर हायर एजुकेशन दसवीं करना आठवीं करना उनकी भी मजबूरी है क्योंकि मार्केट के अंदर सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए लेकिन हायर एजुकेशन जब आदमी तर्क करता है इम्पावरमेंट उसको आती है तो वो लोग सिर्फ अपनी आजीविका नहीं कमा रहे हैं वो सोशल मूवमेंट को लीड भी कर रहे हैं वो ऑल्टरनेट रस्ते भी दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि ऑल्टरनेट भी है यही सोसाइटी नहीं रह सकती इसलिए वो जब एक उनका अनुभव हुआ है पिछले पचास साल का कि उन्होंने देखा है कि रजिस्टेंस बड़ा है इंटेलेक्चुअली भी मूवमेंट के अंदर भी अब उनकी कोशिश है कि वो जो कुछ सेक्शन आ गया था उसको भी खत्म किया जाए और ये पूरे मेजर्स जो कोशिश है कि हायर एजुकेशन के अंदर एंट्री पॉइंट ही खत्म हो जाएगा सिक्स परसेंट के अंदर कितना आ पाएंगे तो वो उसको खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं आई यू होपफुल और डू यू थिंक द ब्रामिकल फोर्सेज विल हैव एन अपर हैंड इन दिस अटैक ऑन द हायर एजुकेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन डू यू थिंक ऑल द प्रोग्रेसिव फोर्स एंड मार्जलाइज फोर्सेज विल कम टुगेदर बेसिकलीस थ्री ईयर्स जो पिछले तीन साल हैं वही एक हमें आशा देते हैं जिस तरह से बड़े स्तर पर हमले बड़े हैं मुझे याद नहीं अपने छात्र जीवन के अंदर इस तरह का रजिस्टेंस भी मैंने देखा हो जब मीडिया को भी प्राइम टाइम के अंदर मजबूरी के अंदर इन मुद्दों के ऊपर डिबेट करनी पड़ी थी जो दूर रहता है इससे तो ये मुझे ये भी बताते हैं कि एक तरफ जब हमले बड़े हैं पर जिस लेवल का रेजिस्टेंस हुआ है जिस लेवल का मूवमेंट हुआ है नॉट ओनली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो जहाँ पर हमला हो रहा है वहाँ पर लोग निकल कर आ रहे हैं वेरियस लेवल ऑफ वेरियस सेक्टर्स के अंदर जो आंदोलन हुआ है वो अपने आप में अच्छा बताता है कि आने वाला समय इनकी हैज़मोनी का समय नहीं है वो आंदोलन का समय है और उस आंदोलन के जरिए जो हमारे हक हकूक़ हैं जो हमारी हक हैं जनता के वो हासिल करेंगे और ये जो जिनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं दलित एस टी एस स्ट, एस सी एस टीस माइनॉरिटीज़ ओ उनको आने वाले समय के अंदर दबा नहीं पाएंगे क्योंकि ये समझ गई है लोग कि जो रिसोर्सिस हैं ये उनको बिलोंग नहीं करते हैं रिसोर्सिस भारत के हैं मेजोरिटी भारत के हैं और मेजोरिटी भारत इन ब्राह्मणिक लोगों का नहीं है वो आम जनता का भारत है वो सबका भारत है इसलिए आने वाले समय के अंदर बहुत आशा का समय है संघर्षों का समय है और संघर्षों का समय ही आशा का समय होता है थैंक यू डॉक्टर विक्रम फॉर गिविंग टाइम विद न्यूज़ क्लिक, गेट बैक टू यू ऑन सम अदर इश्यू।